जनगणना होने जा रही है, हजारों करोड़ रुपया फिर खर्च होगा। हम तो चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि जब जनगणना हो तो जाति जनगणना के आंकड़े भी बाहर लाए जाएं। अब आप भी थक गए हो इसलिए आपका भी बहुत उतना ही मजबूत होगा जितनी आवाज उठेगी विपक्ष, जितनी बात रखेगा। इसलिए जहां तक सवाल डंके की चोट और बहस का है, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप जगह तय कर लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच तय कर लें और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रिय चैनलों को भी बुला लें, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रिय एंकरों को भी बुला लें और विकास पे बहस कर लें। जब चाहे हम समाजवादी लोग बहस करने के लिए, इसलिए जगह तय कर लें, हम विकास पे बहस करने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए, देश बेरोजगारी में फंस गया है, इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी कभी नहीं आई होगी। कभी एक समय मैंने जब क्रांति रथ चलाया था कहा था कि इस देश में केवल बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, अगर यही हालात रहे, चीजें नहीं बदली, तो बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ जाएगी। और अब तो लोग आत्महत्या करने लगे, किसान के बाद अब नौजवान भी आत्महत्या करने लगे। अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई है,